हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कीबोर्ड के बारे में जीरो नॉलेज है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इनमें जो कीज दिए गए हैं, जो बटन दिए गए हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे यूज करोगे, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यानी कीबोर्ड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केवल आप इस वीडियो को 15 मिनट दे दीजिए, यानी कि केवल आप मुझे अपने 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कीबोर्ड का मास्टर बना दूंगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कीबोर्ड में एक एक बटन की, एक एक कीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। साथ में ये जो कीबोर्ड में सिंबल होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, उनका नाम भी बताऊंगा, उनको यूज करना भी बताऊंगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कीबोर्ड की ये मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को, सिर्फ इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया, तो मैं यकीनन 100% की गारंटी आपको देता हूं कि कीबोर्ड के बारे में आपको A to Z जानकारी पूरी हो जाएगी। एक एक बटन की जानकारी, उसे कैसे यूज करने हैं, कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हो जाने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक तो आप जरूर करके जाइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी के टाइम में आपके स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है कीबोर्ड में एक एक बटन की जानकारी सीखने वाले हैं। जिन भी बटन की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर भी दिखाऊंगा। साथ में जो है कंप्यूटर की स्क्रीन में मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, स्क्रीन पर भी आपको जो है टोटल सारी चीजें दिखने वाली है कि किस की को दबाने से क्या चीजें हो रही है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कीबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, यानी मैं प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है। तो देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड का आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले क्रिस्टोफर लैथम सोलेस, एक अमेरिका के आविष्कारक हैं, उन्होंने ही जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने। और कीबोर्ड में जो है टोटल 104 बटन होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में जो हम लोग यूज करते हैं घर में, ऑफिस वगैरह में, उसमें 104 कीज ही होते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 104 पर ही टिक लगाना है, वही सही है। और जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये क्वेटी कीबोर्ड है। देखिए, QWERTY क्वेटी कीबोर्ड है ये। तो ज्यादातर मार्केट में जो है इस समय क्वेटी कीबोर्ड ही चल रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस कीबोर्ड को टोटल हम लोग चार भागों में डिवाइड करेंगे, चार भागों में बांटेंगे और एक एक भाग के एक एक बटन की जानकारी हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। देखिए, कीबोर्ड में ये जो मैं बटन बोल रहा हूँ, वैसे इसका एक्चुअल में नाम जो है की है। की इंग्लिश में बोला जाता है और कुंजी जो है हिंदी में बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली भाषा में हम लोग कीबोर्ड में बटन बोलते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला भाग ये वाला है, सबसे बड़ा वाला भाग, ये सबसे पहला भाग है और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है, या फिर आप इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। देखिए, ये अल्फाबेटिकल हैं, ए से लेकर के जेड तक, और नंबर भी हैं, तो इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में ही आते हैं और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है, इसे फंक्शन कीबोर्ड बोला जाता है, ठीक है, फंक्शन कीपैड भी बोल सकते हो आप। F1 से लेकर के F12 तक इसमें जो है कीज होती हैं। इसके अलावा जो है एक एस्केप की बटन भी इसी के अंडर रखा गया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर राइट साइड में एक और छोटा सा कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इन कीज का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते हैं।
जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आप ये अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और कीबोर्ड मिल जाता है, इसको मैं अलग बांट दिया हूँ। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड या फिर न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही है, इसलिए इसे न्यूमेरिक कीपैड या फिर नंबर कीबोर्ड बोला जाता है। तो हम लोग यहीं से जो है शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे इस साइड में बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपको 0 से लेकर के 9 तक नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी नंबर को लिखना है तो आप जो है सीधा सीधा इसको प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होगा। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, स्क्रीन पर एमएस वर्ड मैंने चालू कर लिया है और इसी के अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो जैसे कि मुझे 5 लिखना है तो मैंने 5 को प्रेस किया, 5 को, तो 5 लिखा गया है। इसी तरीके से जो भी आपको लिखना है, ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपका टाइप नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये आपका नम ब्लॉक बटन ऑफ होगा। जैसे कि अगर ये इस तरीके से ऑफ होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जो मैंने आपको बताया है, ये जलेगी नहीं। और ये जब नहीं जलेगी तो ये मान लीजिए ये आपका ऑफ है और 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी की काम नहीं करेगा। यानी कि आप जो भी प्रेस करोगे इसमें से, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि नंबर लॉक जो है ऑफ हो चुका है। अब अगर मुझे इनको, इन बटन को यूज़ करना हो तो मैं नंबर लॉक को ऑन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाएगी, इसके बाद जो है मैं सीधा सीधा टाइप करना शुरू करूंगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लास्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो टाइप हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ करना चाहते हो, वैसे इसका नाम है जो है फॉरवर्ड स्लैश इसको बोला जाता है, लेकिन इसको हम भाग का सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भाग लगाते हैं वो इसी सिंबल से लगाते हैं। तो हम इसको प्रेस करेंगे, ये टाइप होगा, इसको प्रेस करेंगे, ये स्टार वाला टाइप होगा, इसको गुणा का सिंबल बोलते हैं, ये जो है माइनस है और ये जो है प्लस है, और इसके अंदर जो है एक डिलीट बटन मिलता है और एक डॉट का बटन मिलता है। तो हम जो है जब इसको प्रेस करेंगे तो ये डॉट वाला प्रेस होगा, ठीक है। अगर डिलीट को हमको प्रेस करना होगा तो यहाँ से हमको जो है इस साइड में आ जाना है एरो मदद से, और इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करोगे तो देखिए अक्षर जो है आप डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये एरो मदद से हम जो है कर्सर को देखिए कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग इधर आ गए हैं। अब मैं शिफ्ट को दबा लूंगा तो देखिए डिलीट को यूज कर रहा हूँ, तो देखिए जो भी हमारा जहाँ पर कर्सर है उसके राइट वाला जो भी अक्षर है वो डिलीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट बटन को यूज करोगे। अब ये इंटर बटन है, इंटर बटन आपको कीबोर्ड में 2 मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, दोनों का काम सेम है। काम क्या करता है कि कोई भी फोल्डर को ओपन करना हो, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना हो, कुछ भी अंदर एंट्री करनी हो, जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ भी एंट्री करनी हो तो हम एंटर बटन का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और एक लाइन से दूसरी लाइन में हमको आना है तो एंटर बटन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी जो है एक ही लाइन में हम लोग जो है मतलब लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग लिख रहे हैं। अगर मुझे दूसरी लाइन में अब लिखना है तो एंटर बटन को यूज़ करूंगा। दूसरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी लाइन में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तीसरी लाइन में लिखना है तो फिर से एंटर बटन को यूज़ करेंगे, तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी, देख सकते हो इस तरीके से। अगर किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो दूसरी लाइन भी बनाने में काम आता है। वैसे एंटर बटन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी आदेश देना हो हम लोग एंटर बटन से ही उसको आदेश देते हैं, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हमारा आता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड, ठीक है। ये क्या काम करता है कि हमारे कर्सर को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि अगर ये देखिए लाइन हमारा कहां पर है, इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारा जो कर्सर है वो जो हमने अक्षर लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं, उसमें सबसे लास्ट, और हमको शुरू में जाना हो तो हम ये वाला एरो पर प्रेस करेंगे तो इस साइड में हम लोग जाएंगे नीचे की साइड में। अगर हमको ऊपर जाना हो तो अप वाला एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे आना हो तो नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे। देख रहे हो आप, पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी बटन दिए गए हैं इनको भी यूज़ हम लोग कर्सर को कंट्रोल करने में ही करते हैं। जैसे कि मुझे पेज के सबसे नीचे जाना है तो मैं पेज डाउन क्लिक करूँगा, देखिए हम लोग पेज के बिल्कुल नीचे आ गए हैं जबकि ऊपर लिखा हुआ था, और पेज अप बटन को प्रेस कर दूंगा तो पेज में सबसे ऊपर की साइड में हम लोग आ जाएंगे, देख सकते हो हमारा लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से अगर किसी लाइन के होम में जाना है तो हम लोग होम बटन का प्रेस करेंगे, अगर किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाली लाइन में ले जा करके दिखा देता हूँ, इस वाली लाइन में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर है, बिल्कुल लाइन के शुरू में है, हमको लास्ट में अगर जाना है तो हम एंड बटन को प्रेस करेंगे, देखिए बिल्कुल लाइन के लास्ट में आ गए हैं। और
बिल्कुल शुरू में जाना है तो हम होम बटन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जो भी आपने लिखा होगा उसके उस लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन और लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का यूज़ होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक डिलीट बटन मिलता है। इस बटन का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। कोई भी अक्षर आपने लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी फोटो लिया है, कोई भी शेप बनाया है आपने, उसको डिलीट करने का काम डिलीट बटन ही करता है। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसे जो है डिलीट करना है। तो देखिए डिलीट बटन एमएस वर्ड में कुछ ऐसे काम करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसके राइट साइड वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट होगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है कोई पिक्चर या फिर शेप ले लेते हो, तो मैं यहाँ पर जो है शेप भी बना करके दिखा देता हूँ। ये शेप मैंने बना लिया, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं। अब मान लीजिए इस शेप को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और डिलीट बटन से इसको जो है डिलीट कर दूंगा, तो इस तरीके से डिलीट भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट बटन ही काम करता है। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ से कोई एक फाइल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फाइल यहाँ पर है हमारी एमएस वर्ड की, 12 के नाम से है। इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है। मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूं, तो देखिए ये यहां से जो है डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और चीज डिलीट करनी है, जैसे कि मैं ये वोटर लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए ये वोटर लिखा है, हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये वोटर जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट बटन का समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इंसर्ट बटन के बारे में। ठीक है, इंसर्ट बटन के बारे में, तो देखिए ये तब हमारे काम में आता है जब हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग का काम कर रहे हैं। और ये काम कैसे करता है कि आपका जो है पीछे का जो अक्षर रहेगा, जो शब्द रहेगा, वो मिटता हुआ चला जाएगा, उसके आगे जो है नए शब्द लिखा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली इसे यूज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट का भी काम करता है। जैसे कि मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन को दबाता हूँ। ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया है। मैं आपको पेस्ट भी करके दिखाता हूँ। मैं एंटर बटन से नीचे की साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा, और शिफ्ट के साथ ये इंसर्ट बटन को यूज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ठीक है, फिर से जो है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए फिर से पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो हम जो है कंट्रोल इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे कि इंसर्ट के नीचे प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ है, होम के नीचे स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है और पेज अप के नीचे पास ब्रेक दिया हुआ है। इनका क्या काम है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन बटन को यूज करना आना चाहिए। इन की को तभी आप यूज कर पाओगे जब आप कीबोर्ड में एक फंक्शन की दिया हुआ है, ये देखिए FN लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को प्रेस करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तब इसको आप यूज कर पाओगे। अगर आपके कीबोर्ड में ऐसा दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी FN जो लिखा हुआ है वो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है और ये भी जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें दो की है, एक इंसर्ट है, एक प्रिंट स्क्रीन है। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन की को यूज करना है तो आपको FN की को दबाने के बाद ही इसको यूज करना है। प्रिंट स्क्रीन का काम क्या है? ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन की को दबा लेना है और इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की को दबा देना है। अब जो है आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो गया है। कैसे आपको पता चलेगा? नीचे की साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबा लेता हूँ, ये वाला कंट्रोल, और इसके साथ कीबोर्ड में एक वी बटन होता है, इसको प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ वी। तो देखिए जो अभी हमने जो है स्क्रीनशॉट लिया है वो यही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, अभी जो हमारे स्क्रीन पर खुला हुआ था डेस्कटॉप पर, उसका पूरा स्क्रीनशॉट इस तरीके से आ गया है। आपको समझ आ गया होगा प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है पूरे स्क्रीन का। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक बटन है स्क्रॉल बटन। अब ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमको नीचे जाना है। ठीक है, तो हम अपने माउस से इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, बीच में जो माउस में बटन होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये बटन है, इसको हम स्क्रॉलिंग बटन बोलते हैं, इससे जो है स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप जो है स्क्रॉल को लॉक कर दोगे और ये जो एरो बटन है इनकी मदद से आप नीचे आ सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। फंक्शन की को दबाइए, स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर लाइट है वो जल चुकी है। इस लाइट को देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और इधर करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाली लाइट जल चुकी है, इसको मैं फिर से आपको बुझा करके दिखाता हूँ। ये देखिए बंद हो गई, ठीक है, और फिर से जला करके दिखाता हूँ तो देखिए ये जल गई है, अब ये जो है लॉक हो चुका है। अगर आप एमएस वर्ड में इसको यूज करोगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हो अभी हमारा कर्सर जो है ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपनी वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है और मुझे इसके नीचे भी देखना है क्या क्या चीजें हैं, तो उस कंडीशन में मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेस करूंगा तो देखोगे हमारी वेबसाइट नीचे की साइड में स्क्रॉल हो रही है। हम आराम से नीचे की साइड में आ सकते हैं और ऊपर की साइड में भी जा सकते हैं।
इसमें जो है अगला जो की है वो है पाज ब्रेक का। ये की तब हमारे काम में आता है जब हमारी स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक चल रही है, रुक नहीं रही है। जैसे आपने देखा होगा हैकिंग में जो लोग हैक कर लेते हैं, मतलब जो एक एक स्लाइड ऑटोमेटिक जो है फटाफट से ऊपर की साइड में चलना शुरू हो जाती है, उसको जो है अगर आप रोक करके पढ़ना चाहते हो उसमें क्या क्या चीजें लिखी है, तब ये जो है काम आता है। वैसे इसका ज्यादातर यूज नहीं है। इसमें जो ये सारे कीज दिए गए हैं, इन कीज को भी आप समझ लीजिए। ये जो है वॉल्यूम को म्यूट कर देता है, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आवाज को बंद करना चाहते हैं तो म्यूट कर दीजिए इससे, और इससे जो है आवाज कम होती है और इससे जो है आवाज ज्यादा होती है। यानी वॉल्यूम को बढ़ाना है तो इसको प्रेस करिए, वॉल्यूम को कम करना है तो इसको, और म्यूट करना है तो इसको। तो यहाँ से हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इस कीज के बारे में समझ लेते हैं, फंक्शन कीज के बारे में, फिर हम जो है इसको भी यूज करना सीखेंगे। तो देखिए नॉर्मली कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 कीज ही होती हैं, यानी 1 से लेकर के 12 तक ही होती हैं। लेकिन ये कीज की संख्या 1 से 20 तक भी हो सकती है, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो 1 से लेकर 12 तक ही होती है। F1 बटन का काम क्या होता है कि आप जो है जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसका हेल्प एंड सेंटर ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं तो F1 से मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। इसे जो है आप खुद से समझ लीजिएगा। आप अपने कंप्यूटर को चालू करिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद F1 को दबा दीजिएगा तो उसका हेल्प एंड सेंटर ओपन हो जाएगा। F2 से क्या होता है, किसी भी फाइल को हम लोग रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे करके दिखा देता हूं। हम लोग जो है यहां पर चलते हैं, ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारा एक फाइल है इंट्रो नाम से 2, तो हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, इसका नाम बदलना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड में F2 को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहां पर जो है कर्सर एक्टिव हो चुका है, जो भी हम इसमें नाम टाइप करना चाहते हैं टाइप करने के बाद जो है बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए इसका नाम रीनेम हो जाएगा। F3 से जो है सर्च होता है। अगर आप जो है किसी भी वेबसाइट वगैरह पर कुछ भी चीजों को सर्च करना चाहते हो तो सीधा सीधा आप कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करिए। देखिए यहाँ पर जो है सर्च का ऑप्शन चालू हो जाएगा, आप जो भी इसके अंदर सर्च करना चाहो आराम से जो है सर्च कर सकते हो। इसके अलावा है F4 बटन। इस बटन का इस्तेमाल करके हम लोग टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं, और अगर आप अपने कंप्यूटर में इसका यूज करना चाहो तो आपको अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो और कोई भी प्रोग्राम अगर आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये जो वेबसाइट खोली है, अगर मुझे इसे बंद करना है तो मैं अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करूंगा, वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पर आकर के अगर अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस कर देते हो तो यहां से शट डाउन की विंडो ओपन हो जाएगी, आप आराम से जो है यहां पर शट डाउन कर सकते हो। इसके बाद है F5 बटन। F5 बटन का इस्तेमाल करके हम जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में रिफ्रेश करते हैं। जब आप इसको प्रेस करोगे तो देखिए हमारा जो है कंप्यूटर में रिफ्रेश हो रहा है। इसके अलावा कीबोर्ड में है F6 बटन। इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट किए हो तो डायरेक्ट जो है उसका एड्रेस बार में पहुंच सकते हो। F6 बटन को दबाइए, डायरेक्ट आप एड्रेस बार में चले जाओगे। जो भी चेंज करना हो एड्रेस बार में आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा F6 बटन का इस्तेमाल MS-DOS में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आपने MS Word में, Excel में, PowerPoint में कोई स्पेलिंग को मिस्टेक कर दी है तो उसको सही कर सकते हो। जैसे कि आप जो है यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए ये बता रहा है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर मुझे इसकी जांच करनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है तो मैं कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करूंगा। इसके बाद देखिए ये बता देगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, हमको ये बता रहा है कि ये स्पेलिंग होनी चाहिए, तो हम इसे जो है चेंज पर क्लिक कर देंगे, हमारी स्पेलिंग जो है सही हो जाएगी। यानी कि F7 बटन का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेलिंग चेक इन करते हैं। अगला है F8 बटन। इस बटन का इस्तेमाल करके हम लोग टैली में सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। वैसे नॉर्मली कंप्यूटर में जो है इस बटन का ज्यादातर यूज नहीं है, ज्यादातर टैली में ही इसका यूज होता है। F9 बटन का भी ज्यादा यूज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ टैली के अंदर हम लोग जो है इस बटन का यूज करके परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। अगला है F10 बटन। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है MS Word में ये जो टैब होते हैं उनको एक्टिव कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए टैब जो है एक्टिव हो चुके हैं। आप जिस भी टैब को ओपन करना चाहो उसको जो है ओपन कर सकते हो। एन प्रेस करोगे तो न्यू ओपन हो जाएगा। यानी कि जो भी आपने MS Word में ये जो टैब है अगर आप उनको जो है कीबोर्ड की मदद से यूज करना चाहो तो F10 बटन आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस कर देते हो तो माउस का राइट क्लिक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ F10 बटन को यूज करते हैं तो राइट क्लिक का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे आ गए हैं। इसके बाद आता है F11।
इससे जो है हम स्क्रीन को फुल स्क्रीन में करते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो वगैरह देख रहे हो या फिर आप इसी वीडियो को अगर फुल स्क्रीन में करना चाहो तो कीबोर्ड से बस F11 को प्रेस करिए, ये वीडियो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप MS Paint में काम कर रहे हो तो इसमें भी F11 से ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। अभी के टाइम में देख सकते हो पूरा फुल स्क्रीन मोड में है। अब यहाँ पर बैक जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, बैक जाने के लिए हम लोग जो है एस्केप की बटन का यूज करेंगे। वैसे ये किसी भी प्रोग्राम से पीछे जाने में यूज होता है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल टैली में होता है, तो इस बटन का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रोग्राम से पीछे जाने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करेंगे, तो इस पे प्रेस करेंगे पीछे हम लोग आ जाएंगे। अगला है F12 कीज। इस कीज का इस्तेमाल करके सेव एज का ऑप्शन इनेबल होता है। अगर आप MS Word की फाइल को सेव एज करना चाहते हो यानी दोबारा से सेव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन काम करता है। फिलहाल इससे जो है मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेव एज ऑप्शन है और वहाँ पर देखिए F12 शॉर्टकट दिखाया गया है, ठीक है। देखिए वहाँ पर आप देख सकते हो F12 शॉर्टकट दिखाया गया है। अगर आप MS Word में या फिर Excel या फिर PowerPoint में जो है अपनी फाइल को सेव एज करना चाहते हो, दोबारा से सेव करना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन काम करता है। होगा क्या, जैसे ही आप सेव मतलब इसको प्रेस कर दोगे तो ये इस तरीके से एक विंडो आएगी और इसके अंदर आप इस फाइल को दोबारा से कहीं पर भी सेव कर पाओगे, बस यही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी कीज़ दिए गए हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। अगर आप फंक्शन की के साथ इसको प्रेस कर दोगे तो सर्च का ऑप्शन चालू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। मैं दोबारा से आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ। फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए सर्च बार में हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं। यहाँ पर जो भी सर्च करना हो हम आराम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उसमें जो है पीछे की साइड में जाना है, फंक्शन की से इसको प्रेस करेंगे। अगर वीडियो को पॉज या प्ले करना है तो फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करेंगे। फंक्शन की इसका मतलब इस की को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी फंक्शन की ही बोला जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है आपको कि अगर ये जो ब्लू कलर के सिंबल हैं इनको यूज करना है तो आपको साथ में ये कीज दबाना होगा। ज्यादातर ये जो है लैपटॉप में ये ज्यादातर दिए होते हैं और इस तरीके का अगर आपने कीबोर्ड खरीदा होगा तो उसमें भी ये रहेगा। इसको दबाने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा 5-10 सेकंड आगे बढ़ा सकते हो, यही काम इसका, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको ये सारे कीज को बता दिया है और फटाक से अब जो है हम लोग मेन कीबोर्ड को भी समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर जितना भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ सारी चीजें पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें टाइम को लेकर के ज्यादा घबराना नहीं है कि टाइम ज्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको फुल नॉलेज मिल रहा है तो 2-4-10 वीडियो देखने से क्या फायदा, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसी एक वीडियो को देख लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस की को देखते हैं। तो देखिए ये कीज में आपको 2-2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो नंबर है, दूसरा सिंबल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन सिंबल का नाम आपको बता देता हूँ। देखिए ये है टिल्डे बटन जो ऊपर की साइड में इस तरीके से जिगजैग लाइन है, इसको टिल्डे बटन बोला जाता है और इसको संबोधन चिन्ह बोला जाता है या फिर एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोला जाता है। इसको एट द रेट, ये है हैच, ये है डॉलर और ये है परसेंटेज, ये है घात का सिंबल, ये है एंड का सिंबल, ये है स्टार, ये है छोटा ब्रैकेट का ओपन, ये है छोटा ब्रैकेट का बंद, इसके बाद जो है नीचे वाला है माइनस और ऊपर वाला है हाइफनेशन, ये इक्वल है यानी बराबर का और ये है प्लस। इतना समझ में आ गया आपको। इसके अलावा ये सारे सिंबल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके ऊपर ये जो है ऊपर वाला वो मझला ब्रैकेट है, ऊपर वाला यानी मझला कोष्टक है ओपन और बंद, और नीचे वाला जो है बड़ा ब्रैकेट है या ओपन और बंद। इसके अलावा जो नीचे वाली लाइन है ये है बैकवर्ड स्लैश और ये है फुल स्टॉप, यानी कि अगर आपको हिंदी में फुल स्टॉप देना होता है तो आपको पता है कि इस तरीके से देते हैं, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप देते हैं तो डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये है फुल स्टॉप। इसके बाद जो है ये वाला सिंबल जो है सेमी कॉलन है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है कॉलन है यानी ये जो है अनुपात का सिंबल है, और ये है अर्धविराम। ऊपर वाला है डबल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे वाला है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। कैसे यूज करना है अभी हम सीखेंगे। ऊपर वाला है क्वेश्चन मार्क, नीचे वाला है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये है बैकवर्ड स्लैश और ये है फॉरवर्ड स्लैश। ये है बड़ा का सिंबल और यह है छोटा का सिंबल, यह है डॉट का सिंबल और यह है कॉमा का सिंबल। सिंबल समझ में आ गया आपको, जो भी सिंबल थे मैंने आपको बता दिया है। एक छोटा है ये वाला, ये भी बता देता हूं, इसको जो है हलंद का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन सिंबल को यूज कैसे करना है, तो देखिए कीबोर्ड में जो कीज दिए गए हैं उनमें जो ऊपर वाले अक्षर हैं अगर आपको उनको बनाना है तो शिफ्ट के साथ उस की को दबाना होगा। जैसे मुझे ये वाला सिंबल बनाना है, शिफ्ट के साथ इसको दबाऊंगा तो ऊपर वाला बनेगा, इसको 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 दबाऊंगा तो मतलब जो ऊपर वाले हैं वो बन रहे हैं, ये आपने चीज़ को नोटिस किया है, ठीक है। इधर से भी अगर हम प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला ही बनेगा, आप ये चीज़ को नोटिस कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 1-2-3-4 को इस्तेमाल करना है तो सीधा सीधा इसको जो है तरीके से टाइप करना शुरू कर दीजिए, नीचे वाला जो है हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा
ये है एक टैब बटन। अगर आपको जो है ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है दो शब्दों के बीच में, या फिर जो है लाइन के लास्ट में जाकर के आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं, तो टैब बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इतना गैप हो गया है। फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो इतना सारा गैप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है कैप्स लॉक बटन। ये तब हमारे काम में आता है जब हमको अंग्रेजी के सभी अक्षर को बड़े लेटर में टाइप करना होता है। जैसे कि अभी के टाइम में टाइप कर रहा हूँ मैं, तो देख सकते हो छोटे में टाइप हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल में टाइप हो रहे हैं। लेकिन इंटर बटन को प्रेस करते हैं, मुझे बड़े में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दूंगा। कैप्स लॉक को जैसे ही आप ऑन करोगे तो इस साइड में आप देखोगे यहाँ पर जो है इंडिकेटर लाइट में ए वाला जो लिखा हुआ है ये जलने लगा है। आप इसे देख लीजिए, ए जो लिखा हुआ है ये जल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये बुझ जाएगा, अगर इसको प्रेस कर दोगे तो जल जाएगा। कैप्स लॉक से यही आपको ध्यान देना है। अब आप जो है जो भी टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है, आप देख सकते हो बड़े अक्षरों में। तो समझ में आ गया कैप्स लॉक, अगर इसको बंद कर दोगे तो छोटे में टाइप होगा, अगर चालू कर दोगे तो बड़े में टाइप होगा। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद। अब क्या करना है कि अगर आपको एक लेटर को बड़ा लिखना है बाकी सारे छोटे लिखने हैं, तो आपको शिफ्ट बटन के साथ उस लेटर को दबाना है जिसको आपको बड़ा लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पर जो है ए को बड़ा लिखना है, तो मैं शिफ्ट के साथ ए को दबा दूंगा, बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं जो भी लिखना चाहता हूँ वो छोटा टाइप हो रहा है, देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं स्पेस बटन से दबाऊंगा, ये जो सबसे बड़ा बटन है इससे जो है जगह बनती है बीच में, दो शब्दों के बीच में स्पेस बनाना हो तो ये काम करता है। फिर इसके बाद कोई और अगर जो है बड़ा में लिखना है तो शिफ्ट के साथ उस बटन को प्रेस कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही वाला शिफ्ट काम इधर भी काम करता है। इसके बाद कंट्रोल है, तो कंट्रोल के साथ किसी दूसरे की को प्रेस करने से जो है एक शॉर्टकट बनता है। जैसे कि मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल के साथ सी से कॉपी कर दूंगा, तो देखिए एक शॉर्टकट बन गया है, वो कॉपी हो गया है। नीचे की साइड में अगर आकर के कंट्रोल के साथ वी शॉर्टकट प्रेस कर दूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट की है, ये भी एक शॉर्टकट की ही है, कंट्रोल शिफ्ट। और इसके बाद जो है अगर आप एस प्रेस कर देते हो तो एमएस वर्ड में जो है स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करता हूँ तो देखिए स्टाइल अप्लाई वाला डायलॉग बॉक्स जो है आ गया है। तो ये भी एक शॉर्टकट की है। इसके बाद जो है मैंने ये फंक्शन तो आपको बता ही दिया है, इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है। इसका काम क्या है कि जितने भी की के ऊपर ये ब्लू कलर के सिंबल मिले हैं अगर उनको यूज करना है तो ये वाली की को प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको ये विंडोज़ की मिल जाता है। इसका क्या काम है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्टार्ट बटन को ओपन करना है तो आपको सीधा सीधा इसको प्रेस करना होगा, तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्टार्ट बटन जो है चालू हो जाता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद जो है इसी के बगल में एक अल्ट का बटन मिलता है, तो ये भी शॉर्टकट ही इससे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्ट के साथ F4 बटन दबाने से कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाता है या फिर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। तो ये और ये और ये तीनों कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं और इनको मॉडिफायर की भी बोला जाता है। इनके संयोग से किसी दूसरे की को मिलाने से एक शॉर्टकट बनता है और ये की आपको लेफ्ट साइड में भी मिलेंगी और राइट साइड में भी इस साइड में मिल जाती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। इसके अलावा मैंने स्पेस बटन के बारे में बता दिया है, ये कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, दो शब्दों के बीच में अगर हमको गैप देना है, स्पेस बनाना है, जगह बनानी है तो ये बटन काम करता है। इसके अलावा ये जो सिंबल दिए गए हैं इनको कैसे यूज करना है, तो देखिए ऊपर वाले जो सिंबल हैं अगर आप उनको यूज़ करना चाहो तो शिफ्ट बटन को दबा लीजिए, ऊपर वाले सिंबल यूज़ होते हैं। अगर सीधा सीधा इसको प्रेस करोगे तो नीचे वाले सिंबल यूज़ होते हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें इस पर भी अप्लाई होती हैं, ठीक है, और इसी तरीके से चीज़ें इन पर भी अप्लाई होती हैं। मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ बारी बारी से, देख सकते हो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक एंटर बटन मिल जाता है। इस बटन का काम तब हमको लगता है जब हमको कंप्यूटर में कोई आदेश देना होता है या फिर किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, एक लाइन हमने टाइप कर दी है, अगर दूसरी लाइन टाइप करना है तो एंटर बटन यूज़ करेंगे, दूसरी लाइन आ जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है बैक स्पेस का। इससे क्या होता है, जो भी आपको डिलीट करना है आप जो है पीछे से इसको जो है इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। जो कुछ भी आपको डिलीट करना है आप आराम से बैक स्पेस बटन को दबाइए, वो डिलीट होता चला जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट बटन यहाँ पर मिलता है आपको, राइट क्लिक बटन इसको बोला जाता है। ये जो बटन है ये राइट क्लिक बटन है। अगर आप यहाँ पर जो है क्लिक कर देते हो ये वाला बटन तो ये राइट क्लिक वाले सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कभी आपका माउस ख़राब हो जाता है, राइट क्लिक काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप इस बटन की हेल्प ले सकते हो। इस की को सिर्फ दबाइए, राइट क्लिक वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पर आकर के इसको दबाते हो तो डेस्कटॉप पर जो राइट क्लिक करने से जो ऑप्शन आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। दोबारा से आप देख लीजिए, ये सारे के सारे राइट क्लिक वाले ऑप्शन
ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी बता दी है, एक एक बटन के बारे में कैसे यूज करना है, एक एक सिंबल के बारे में कैसे उन सिंबल को यूज करना है, उन सिंबल का नाम क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, लेकिन जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है पूरी कंप्लीट बताई है। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको अब जो है कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो से पूरे कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।